వెల్కమ్ టు మిడిల్ ఈస్ట్ వీడియో .com. మొత్తం వ్యూస్ ఫలిక్ బర్సో గర్దిష్ మే రహతా హై తో ఫిర్ కహీన్ జాకే జుల్ఫికార్ అలీ భట్టో జైసీ కదావర్ శఖ్సియత్ కా జహూర్ హోతా హై. జుల్ఫికార్ అలీ భట్టో మర్హూమ్ ఐసీ శఖ్సియత్ థీ కి అగర్ ఆలమీ తాకతే ఇన్కో అప్నా షికార్ నా బనాతీ తో పాకిస్తాన్ పే యే గిద్ధ్ जो आज मुसल्लत है, ये आज ब्रांडेड थ्रोट की राम गली में लोहे के सरिया बेच रहे होते और सिंध के लुटेरे हाकम नेपियर रोड कराची के किसी बाई के कोठे के सामने मोतिया के हारों की खुशबू से दिल बहला रहे होते. मगर काश ऐसा ना हो सका और आज पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम अंग्रेजों के जाने के बाद इन देसी अकाओं की गुलाम बेदाम है. जनाब जुल्फकार अली भट्टो मरहूम वजारत खजाना खारजा के कलिमदान को लात मार के पीपल्स पार्टी को मनज़म जमात बनाने के साथ साथ उन दिनों में अवामी राबतों में मसरूफ थे कि इन्हीं दिनों में इनके कज़न जनाब मुमताज़ भट्टो ने इनका तआरुफ कराची के एक सिनेमा ओनर से करवाया. ये सिनेमा के मालिक भी अपने लच्छेदार गुफ्तगू के सबब जल्दी जुल्फकार अली भट्टो के नज़दीक हो गए. ये वो दिन थे जब पाकिस्तान की फिल्मी सनत अपने अरूज पे थी और नजरुल इस्लाम जैसे शोहरा आफाक डायरेक्टर ना सिर्फ इनका तोती बोल रहा था बल्कि हॉलीवुड की नायक क्लासिकल मूवीज भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था. ये सिनेमा ओनर शख्सियत भी अपनी PR को डेवलप करने के लिए कराची इंतजामिया और सियासी लोगों को अपने सिनेमा हाउस में फैमिली शोज पे मुद्दाऊ करती थी कि इन दिनों में फिल्म ही एक वाहद तफरी का जरिया था. एक मौका पे ऐसी इसी मस्कूरा सिनेमा ओनर ने एक इंग्लिश फिल्म की मुहूर्त के मौका पे नहायत लजाजत और इनकसारी से जनाब जुल्फकार अली भट्टो मरहूम को भी दावत दी कि वो प्रीमियर शो में ज़रूर तशरीफ लाएं. भट्टो साहब को खुद भी अवामी राबतों की ज़रूरत थी लिहाजा भट्टो साहब मान गए. यूं शो शुरू होने से कुछ ही देर पहले तशरीफ लाए मस्कूरा शख्सियत ने नहायत एहतराम व वज़ादारी से भट्टो साहब को सिनेमा के बेहतरीन बॉक्स में बैठाया और कुछ खुर्दो नोश का कहने के लिए इजाज़त तलब की. वापसी पे जब फिल्म अभी शुरू ही हुआ चाहती थी तो उन सिनेमा ओनर ने वापस आके भट्टो साहब से अर्ज की कि साहब चूंकि फिल्म शुरू हो चुकी है और तमाम सीट्स एडवांस बुकिंग के सबब खचाखच भरी हुई हैं मगर एक आला खानदान की खातून तशरीफ लाई हैं और सीट दस्तयाब नहीं है तो क्या आप इजाज़त देंगे कि वो आपके हमराह इसी बॉक्स में तशरीफ फरमा के मूवी देख सकें. भला भट्टो साहब को क्या एतराज हो सकता था. वो इस्फहानी साबून वाले खानदान की मोहतरम खातून जब बॉक्स में फिल्म देखने के लिए दाखिल हुई तो वो नुसरत इस्फहानी थी मगर जब भट्टो साहब के साथ सिनेमा से बाहर तशरीफ लाई तो वो नुसरत भट्टो बन चुकी थी और वो सिनेमा कराची का मशहूर बैम्बिनो सिनेमा था और उस वक्त सिनेमा के मालिक जनाब हाकम अली जरदारी साहब थे. यूं ये खातून बहुत अरसा तक पाकिस्तान के सियासी उफक पे बेहद ताकतवर और बासर खातून रही मगर आज अफसोस के वो हम में नहीं है और इनके दामाद मोहतरम हम पे दोबारा मुसल्लत होने की तरकीबें आजमा रहे हैं. बेहद शुक्रिया की वॉचिंग मिडिल ईस्ट वीडियो .com.